आज जिस टॉपिक पर बात होगी आगे के वो आपका टॉपिक है अपील। अपील का जो प्रोविजन एफबीसी में दिया गया है वो प्रोविजन दिया गया है 372 से लेकर के 394 तक दिया गया है। तो बात ये आती है कि अपील होता क्या है। देखिएगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में कोई केस होता है तो उसमें दो पार्टियां होती हैं, एक तो प्रोसिक्यूशन होगा, दूसरा आपका जो एक्यूज पर्सन है वो होगा। प्रोसिक्यूशन जो होता है वो हमेशा स्टेट होती है आपकी, क्रिमिनल में प्रोसिक्यूशन जो होगा, पीड़ित पक्ष जो होगा, विक्टिम जो होगा वो आपकी स्टेट होगी, और अगला जो पार्टी होगी वो एक्यूज पर्सन होगा। तो न्यायालय के निर्णय से, जिस न्यायालय ने ट्रायल किया, ट्रायल करने के बाद में अपना डिसीजन दिया है, उसके डिसीजन से जो व्यक्ति पीड़ित है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन पीड़ित हो चाहे वो एक्यूज पर्सन पीड़ित हो, इन दोनों ही व्यक्तियों को जो न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, वो उसकी अपील कर सकते हैं। अपील जो होती है वो आदेश या निर्णय इनके खिलाफ होती है, को दंडादेश दिया गया है या निर्णय है, तो इनसे जो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है उससे क्या होगी, अपील होगी। और वहीं सिविल मामलों में अपील जो होती है वो किस पे होती है, सिविल मामलों में जो अपील होती है वो फैक्ट एंड लॉ इन दोनों पर होती है। यहाँ पर जो अपील होगी जाकर वो किसके खिलाफ होगी, जाकर के जो पनिशमेंट दिया गया है या जो निर्णय दिया गया है जिसके खिलाफ अपील होगी जाकर के। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह कि अपील का जो राइट दिया गया है, ये राइट जो है आपका अधिनियमित विधि के द्वारा राइट दिया गया है, ये राइट आपका कोई अधिकार नहीं है जिसे आप मूल अधिकार समझ लें कि अपील करने का हमारा मूल अधिकार है, नहीं, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर संबंधित एक्ट में, अधिनियम में अपील करने का अधिकार दिया गया है तभी अपील आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप अपील नहीं कर पाएंगे। तो कुछ मामले हैं जिनमें अपील करने का अधिकार दिया गया है, और कुछ मामले ऐसे भी बताए गए हैं सीआरपीसी में जिनमें अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो बात ये चलेगी, पहली बात ये चलेगी कि अपील की कैसे जाती है, फिर बात ये चलेगी कि किन मामलों में अपील कर सकते हैं, फिर बात ये चलेगी किन मामलों में अपील नहीं कर सकते हैं, और फिर आगे बात चलेगी कि अपील जब की गई है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी अपील निपटाने की, और फिर आगे क्या होगा। तो बात ये आती है कि अपील कैसे की जाएगी, बात ये आएगी कि अपील कैसे की जाएगी। तो इस संबंध में धारा 382 जो 382 है वो कहती है 382 जो सेक्शन है वो कहती है कि अपील की पिटीशन के माध्यम से की जाएगी। अपील जो की जाएगी वो एक पिटीशन के माध्यम से की जाएगी, अपील के लिए एक अर्जी बनाई जाएगी, एक प्रार्थना पत्र बनाया जाएगा, और उस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपील संबंधित न्यायालय में की जाएगी। जिस न्यायालय ने निर्णय दिया होता है उसका जो हायर कोर्ट होता है वहाँ पर अपील की जाती है। तो अब यहाँ पर यह भी बात कर लेते हैं संक्षेप में कि कौन कौन न्यायालय है। जैसे मान लीजिए जो निर्णय दिया है, जिस निर्णय से पक्षकार सेटिस्फाई नहीं है, वो निर्णय दिया है किसने दिया है, आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने दिया है या सेकंड क्लास ने दिया है, तो इनके निर्णय के खिलाफ जो अपील होगी कहाँ होगी जाकर के। अगर फर्स्ट क्लास ने निर्णय दिया है और सेटिस्फाई नहीं है तो सेशन में हो जाएगी, सेकंड क्लास ने दिया है और सेकंड क्लास ने निर्णय दिया आप सेटिस्फाई नहीं है, और सेशन न्यायाधीश प्राधिकृत कर देता है CJM को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, या फिर असिस्टेंट सेशन जज को, तो आप इनके क्या कर देंगे उसकी अपील, सही है। और सेशन जज के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो हाई कोर्ट में अपील होगी जाकर के, ये आगे सेक्शन में बताया भी गया है। तो बात आती है कि पिटीशन ऑफ अपील 382 पिटीशन ऑफ अपील 382 जो है वो कहती है कि जब भी अपील की जाएगी तो अपील एक अर्जी के माध्यम से की जाएगी, पिटीशन के माध्यम से की जाएगी, और उस पिटीशन के साथ में जिस आदेश या डिसीजन के खिलाफ, जिस ऑर्डर या डिसीजन के खिलाफ आप अपील में जाना चाहते हैं उसकी एक प्रतिलिपि उसमें लगाई जाएगी। फिर अगला प्रोसीजर है अपील एक्ट इन जेल 383
प्रोसीजर वेन अपीलांट इन जेल। 383 में क्या कहा गया है कि जब अपीलार्थी जेल में है, जो अपील करना चाहता है वो जेल में है, तो फिर वो अपील कैसे करेगा। तो इसके लिए भी जो है दो तरीके हैं। 383 में जब अपीलार्थी जेल में है तो दो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। एक तो वो अपील की अर्जी बना करके और उसमें डिसीजन के जो प्रतिलिपियां हैं, जो डिसीजन दिया गया था न्यायालय द्वारा, निर्णय दिया गया था या आदेश दिया गया था जिसके खिलाफ वो अपील करना चाहता है, उस आदेश निर्णय की प्रतिलिपि उस अर्जी में लगा दे, संलग्न कर दे और जेलर को दे दे, जेल अधीक्षक को दे दे कि आप जो है हमारी फला न्यायालय में ये अपील पहुंचा दीजिए। तो जिस दिन उसने जेलर को अपील की कॉपी दी, अपील की अर्जी दी, पिटीशन दी, उसी दिन से ये समझा जाएगा कि अपील फाइल कर दी गई। दूसरा है कि वो जो जेल में है वो एक तरीका अन्य भी अपना सकता है, वो है 382 का अपील तरीका। ये रेगुलर अपील होती है तो इसे कर सकता है कि इसके माध्यम से अपना एडवोकेट नियुक्त कर ले और एडवोकेट के माध्यम से 382 में चला जाए, अपील वहाँ पर कर दे। तो ये हो गया आपका कि अपील कैसे की जाएगी। अब बात ये चलेगी कि आखिर वो कौन से मामले हैं, वो कौन से मामले हैं जिनमें अपील की जा सकती है। देखिएगा सेक्शन 372 नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अन्यथा उपबंधित के सिवाय अपील ना की जाएगी। तो इन्होंने कहा, तो हमने पहले आपको बताया था कि अपील करने का कोई आपका राइट नहीं है, मूलभूत अधिकार नहीं है अपील करने का राइट, अगर आपको संविधान के द्वारा दिया गया है, स्टैट्यूट के द्वारा दिया गया है तभी आप कर सकते हैं। 2009 में इसमें एक प्रोविजन जोड़ा गया है, परंतु जोड़ा गया है और उसमें ये कहा गया है कि पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाले या कम अपराध करने के लिए दोषित करने वाले या अपर्याप्त कर। तो इन्होंने कहा है, देखिएगा जो प्रोविजन जोड़ा गया है उसमें कहा गया है कि अगर जो न्यायालय ने निर्णय दिया है उस निर्णय के द्वारा एक्यूज पर्सन को क्या कर दिया गया है, एक्यूटल कर दिया गया है, दोषमुक्त कर दिया गया है, या फिर उसको अपर्याप्त प्रतिकर दिया गया है, या फिर कम अपराध के लिए उसको दंडित किया, दोषमुक्त कर दिया है, कम अपराध के लिए दोषित किया है या अपर्याप्त प्रतिकर दिया है, तो फिर पीड़ित पक्षकार को ये राइट है कि वो अपील कर सकता है। ये 372 का प्रोविजो कहता है, 372 का प्रोविजो कहता है। अब बात आती है कि
373 है वो कहती है कि अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी आर रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट आर रिजेक्टिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर, प्रशांति कायम रखने के लिए, प्रशांति कायम रखने के लिए या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। तो आपने देखा होगा कि जो सेक्शन आपकी दी गई हैं जहाँ पर प्रशांत कायम रखने के लिए बात कही जाती है, कहाँ दी गई हैं, जो धारा 106 से लेकर के जो 106 है उसको हटा दें, तो धारा 106 से लेकर के 107, 108, 109, 110 यहाँ पर जो सेक्शन दी गई हैं उन्होंने कहा कि प्रशांत कायम रखने के लिए या जो संदिग्ध व्यक्ति होंगे ये किसी भी क्षेत्र में जो पब्लिक आर्डर है उसको डिसबैलेंस ना करें, पब्लिक पीस को ना बिगाड़ दें, तो ऐसे व्यक्तियों से क्या किया जाता है, सिक्योरिटी भरवाई जाती है कि आप मुचलके भरिए कि आप हमारे क्षेत्र में लोक व्यवस्था बनाए रखेंगे। तो ऐसे जब आदेश दिया जाता है किसी व्यक्ति को तो उसके खिलाफ वो कहाँ अपील करेगा, या वो सिक्योरिटी दे रहा था, सिक्योरिटी दे रहा था तो सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया है या सिक्योरिटी अस्वीकार कर दी गई है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं जो इस तरह से व्यथित व्यक्ति हैं तो वो व्यक्ति अपील कहाँ कर सकेंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपील कर सकेंगे सेशन न्यायालय, सेशन कोर्ट में जाकर। ये कहा गया था आपका 73 में, ये 373 में कहा गया। अब बात चलेगी 374 दो सिद्ध से अपील। दो सिद्ध से अपील 374 धारा, देखिएगा 374 में कहा गया है, उपधारा एक इसमें कहा गया है कि अगर उच्चतम न्यायालय ने अपनी आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत, असाधारण आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन, हाई कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत कोई मामला अपने अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगा लिया है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगा लिया है और उसमें उसने क्या किया है, दो सिद्ध कर दी है, तो ऐसा व्यक्ति अपील कहाँ करेगा, तो उच्चतम न्यायालय में करेगा जाकर के। ऐसा व्यक्ति अपील कहाँ करेगा, तो उच्चतम न्यायालय में करेगा, या फिर सेशन न्यायालय ने या अपर सेशन न्यायालय ने कोई मामला सुना और उसमें उठा करके उसको क्या कर दिया है, दो सिद्ध कर दिए, या फिर हाँ, तो सेशन न्यायालय या एडिशनल सेशन जज ने विचारण किया, विचारण करने के बाद उसने क्या किया है, दो सिद्ध कर दिया, वो दो सिद्ध जो है वो कैसी है, 7 वर्ष से ऊपर की है, तो फिर ऐसे मामलों में उसकी अपील कहाँ होगी जाकर के, तो उसकी अपील जो होगी वो हाई कोर्ट में होगी जाकर के। फिर ये अगर कह रहे हैं कि अगर स्थिति ये है कि जो महानगर मजिस्ट्रेट है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, या असिस्टेंट सेशन जज है, या फिर जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, देखिए सुनिएगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, असिस्टेंट सेशन जज है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है,
इनके द्वारा कोई मामला सुना गया है और को क्या कह दिया गया है, दोषित कर दिया गया है, तो इनके निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ होगी, तो वो सेशन जज के यहाँ होगी जाकर के। सही है, 325 के अधीन कोई मामला है उसमें दंडादेश दिया गया है, 325 में 325 क्या है कि कोई मजिस्ट्रेट है जो ट्रायल करता है, ट्रायल करने के बाद उसको लगता है कि दंड के प्रश्न पर को इतना दंड नहीं दे सकता है, तो मामला जो है सीजीएम को भेज देना चाहिए, दंड के प्रश्न पर दंड देने के लिए मामला सीजीएम को भेज देता है तो वो सीजीएम वहाँ दंड देता है, तो ऐसे निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ होगी, सेशन जज के यहाँ पर होगी। या 360 मामला 360 के अंतर्गत जो है कार्रवाई की जाती है किसी केस में, तो ऐसे केस के खिलाफ जो दंडादेश दिया जाएगा या आदेश दिया जाएगा इसकी कहाँ होगी जाकर के, सेशन जज के यहाँ अपील होगी जाकर के। और 360 में क्या कहा गया है, 360 में परीक्षा पर छोड़ने के लिए या भर्त्सना करके छोड़ने के लिए ये बात कही गई है कि इसके आधार पर व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। अब देखिएगा नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी, जब अभियुक्त अक्यूज पर्सन है दोषी होने का अभ्याग करता है, प्लीड ऑफ गिल्टी करता है, दोषी होने का विवेचन करता है, तो फिर उसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जाएगी। इन्होंने कहा है ये धारा जो है वो 375 है, 375 में लगा है अगर अभियुक्त दोषी होने का विवेचन करता है तो उसके खिलाफ अपील नहीं होगी। तो इन्होंने कहा है कि अगर अभियुक्त ने दोषी होने का आवेदन किया है वो कहाँ किया है, देखिएगा यहाँ पर कहा गया है कि जो दोषी होने का आवेदन किया गया है और वो दोषी होने का आवेदन जो किया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा उसको एक्यूट पर्सन ने दोषी होने का आवेदन किया, एक्यूट पर्सन ने जो है वो अपने दोष को स्वीकार कर लिया है और इस आधार पर उच्च न्यायालय के द्वारा उसको क्या कर दिया गया है, दोषित कर दिया गया, कन्विक्ट कर दिया गया, तो ऐसे मामलों में अपील ना होगी। अगर एक्यूज पर्सन ने दोष अपने स्वीकार कर लिया गया, उस दोष के आधार पर उसको हाई कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट कर दिया गया है, कन्विक्ट कर दिया गया है, तो ऐसे मामले में फिर आगे क्या नहीं होगी, अपील नहीं होगी। या फिर सेशन जज है, महानगर मजिस्ट्रेट है या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, सेशन कोर्ट है, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इनके समक्ष अक्यूट पर्सन ने क्या क्या है, प्ली ऑफ गिल्टी की है, अपने दोस्त को स्वीकार किया है और इन्होंने डिसीजन दे दिया है, तो फिर ऐसे निर्णय या आर्डर के खिलाफ क्या होगा कि कोई अपील नहीं की जाएगी, परंतु अपील की जा सकेगी तो केवल और केवल उस दंड के परिमाण या उसकी वैधता, दंड का जो एक्सटेंट है, जो दंडादेश दिया गया है उसके परिमाण के आधार पर या फिर उसकी लीगलिटी के आधार पर तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, परंतु अदरवाइज उसको चैलेंज नहीं किया, आप इसलिए नहीं चैलेंज करेंगे कि मुझको दोषित कर दिया गया, आप ये प्ली नहीं उठा सकते हैं, परंतु हाँ ये प्ली उठा सकते हैं कि दंडादेश जितना दिया जाना चाहिए था उससे ज़्यादा दे दिया गया है, या ये प्ली उठाई जा सकती है कि दंडादेश जो है कम दे दिया गया है, या फिर जो दंडादेश दिया गया है वो सही नहीं है, वैध नहीं है, ये प्ली उठा कर तो आप चैलेंज कर सकते हैं, मगर ये प्ली नहीं उठा सकते हैं कि मुझको दोषित कर दिया गया है, सही है, या इसको दोष मुक्त कर दिया गया, ये प्ली नहीं उठाई जाएगी। सही है, तो जहां एक्यूट पर्सन जो है प्ली ऑफ गिल्टी करता है, अपने दोस्त को स्वीकार करता है, वो हाईकोर्ट के सामने किया है,
तो फिर किसी प्रकार की अपील नहीं होगी। अगर सेशन कोर्ट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट इनके सामने किया है तो फिर अपील नहीं होगी, परंतु इसमें यह कह दिया गया है कि उस दंड के परिमाण और उसकी वैधता के बारे में अपील हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। 376 छोटे मामलों में अपील, 376 कहती है कि छोटे मामलों में अपील ना होना। नो अपील इन पेटी केसेस, छोटे मामलों में अपील ना होना। देखिएगा, इन्होंने कहा है अब छोटे मामले कौन से होंगे जिनमें अपील नहीं की जाएगी, तो इन्होंने कहा है कि कौन से होंगे, तो इन्होंने बताया है कि अगर कोई ऐसा छोटा मामला है जो हाईकोर्ट के द्वारा जिसमें उसे 6 माह के कारावास और 1,000 रुपये तक के दंड से दंडित किया गया है तो उसमें कोई अपील ना की जाएगी। जहां उच्च न्यायालय ने केवल 6 माह से अधिक की अवधि के कारावास 1,000 रुपये से अधिक जुर्माने दोनों भी दंडादेश दिया है तो उसकी अपील ना होगी। हाईकोर्ट के द्वारा 6 माह के दंड से किसी मामले में दो सिद्ध किया गया है, 1,000 रुपये तक के जुर्माने दंडित किया गया है तो उसकी अपील नहीं की जाएगी। फिर है कि अगर सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया है, कन्विक्ट करने के बाद में 3 माह का कारावास या 200 रुपये तक का उसको फाइन किया है तो ऐसे मामलों में अपील ना होगी। या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा उसको 100 रुपये के जुर्माने से कंपनसेशन से उसको दंडित किया है तो ऐसे मामलों में अपील ना होगी। और अगर समरी ट्रायल किया गया है, समरी ट्रायल किया गया है और 200 रुपये के जुर्माने से कन्विक्ट किया गया है तो फिर उसकी अपील ना होगी। परंतु इसमें परंतु भी लगा दिया गया है कि अगर जो कन्विक्ट इन मामलों अभी जो हमने बताया था इस तरह से अगर कन्विक्ट किया जाता है और साथ में कोई अन्य दंड भी दे दिया जाता है साथ में तो फिर अपील हो जाएगी। या फिर तो फिर अपील, अगर एक तो ये दंड था कि हाई कोर्ट ने दंडित किया 6 महीने के कारावास से 1,000 रुपये दंडित कर दिया, तो इसके साथ में एक तो ये दंड है कि तो इसके आधार पर अपील नहीं होगी, परंतु इसमें कोई अन्य दंड मिला दिया जाए तो फिर अपील हो जाएगी। इसी प्रकार से सेशन जज, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इनके द्वारा 3 महीने का कारावास या फिर 200 रुपये तक के जुर्माना दंडित किया गया है तो फिर इसके आधार पर अपील नहीं होगी, परंतु जो कोई अन्य दंडादेश भी मिला दिया जाए, जो अलग से दंडादेश उसको मिला दिया जाए तो अपील हो जाएगी। इसी प्रकार से जो निचले मामले हैं, चाहे वो जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या फिर समरी ट्रायल है, इसमें दंडादेश दिया गया तो अपील नहीं होगी, परंतु अन्य को दंडादेश मिला दिया जाए तो फिर अपील हो जाएगी जाकर के। सही है, परंतु यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर मजिस्ट्रेट ने कोई ऐसा फाइन कई आर्डर में दिया, मजिस्ट्रेट ने अलग अलग आदेश देके कई बार व्यक्ति को फाइन किया है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि फिर उसके लिए हम वो फाइन और ये कारावास मिलाकर के हम अपील करेंगे। अगर वो जो फाइन किया है वो उसके अधिकतम फाइन करने की जो सीमा थी, जैसे जो एक मामला है जिसमें जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो क्या करता है कि 100 रुपये का जुर्माना करने की उसमें पावर दी गई है और वो क्या करता है कि अलग अलग फाइन करता है और अलग अलग फाइन करके 5 बार कर देता है और टोटल अगर काउंट किया जाए 100 रुपये हो रहा है। तो बेशक उसने कई बार दंडित किया, अलग अलग फाइन किया है, परंतु वो अलग अलग फाइन करने के बाद भी टोटल 100 रुपये हो रहा है तो फिर उसके खिलाफ अपील नहीं होगी। अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर अलग बात हो जाएगी जा करके। और एक बात कही गई है कि जब व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, जब कन्विक्ट किया गया है, उपरोक्त मामले में कन्विक्ट किया गया है और उसी में उसको परिशांत कायम रखने के लिए, गुड बिहेवियर बनाए रखने के लिए, जो पब्लिक पीस है उसको मेंटेन रखने के लिए उससे प्रतिभूति ली गई, सिक्योरिटी ली गई है तो ये अलग दंडादेश नहीं माना जाएगा। ये प्रतिभूति लेने का जो सिक्योरिटी लेने का आदेश है ये अलग दंडादेश नहीं माना जाएगा और इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये सिक्योरिटी लेने का आदेश और वो डंडा जो कारावास का दंड दिया गया है ये दोनों अलग अलग हैं इसलिए हम अपील कर लेंगे, तो नहीं। जो अगर परेशान कायम रखने के लिए आदेश दिया गया है कन्विक्ट करने पर तो ये एक ही मामला हुआ जाकर के, तो इसके खिलाफ अपील नहीं होगी जाकर के। फिर अगला इन्होंने कह दिया है कि अगर
व्यक्ति को क्या किया है, सेशन जज ने मान लेते हैं कि सेशन जज ने उसको कन्विक्ट किया था 3 महीने कारावास से और साथ में 200 रुपये का फाइन लगा दिया और कहा कि अगर 200 रुपये का फाइन नहीं देते हैं तो फिर आपको 1 महीने का कारावास देना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि कारावास जो इन्होंने 1 महीने अलग का दिया है ये कोई अलग डंडा देते इसको उठा कर अपील करते हैं तो नहीं होगा, क्यों, जो कारावास अलग से दिया गया 3 महीने के अलग कारावास दिया गया वो आपको तब दिया गया है जब आप जो जुर्माना है 200 रुपये वो नहीं देते। सही, तो ध्यान रखना है कि अगर कारा जुर्माना ना देने पर कारावास डंडा कन्विक्ट किया गया है और कन्विक्ट करने पर सेशन जज ने क्या किया, 1 महीने की सजा दे दी है प्लस 200 रुपये जुर्माना दे दिया है, और जुर्माना ना देने पर अगर जो है उसने 1 महीने का कारावास दिया है तो ये अलग डंडा देश नहीं माना जाएगा जिसके आधार पर आप अपील कर सकते, इसके मतलब कोई अपील नहीं होगी, एक ही डंडा देश है। अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस, राज्य सरकार के द्वारा डंडा देश के खिलाफ अपील। तो देखिएगा यहाँ पर कहा गया है कि जो कन्विक्ट किसी एक्यूज्ड पर्सन को जो कन्विक्ट किया गया है का है कि उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के द्वारा अगर एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट किया गया है और कन्विक्ट किया गया है तो फिर राज्य सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह डायरेक्शन देगी कि आप दंड के अपर्याप्तता के आधार पर आप क्या करें, सेशन न्यायालय में अपील करें। सही है, या फिर आप उच्च न्यायालय में अपील करें। देखिए इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए गए विचार में दोषित के किसी मामले में लोक अभियोग को डंडा देश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध सेशन न्यायालय में ये डंडा देश की मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है, उच्च न्यायालय में डंडा देश न्यायालय द्वारा दिया गया है अपील करने का निर्देश दे सकती है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कहा गया है जो सेक्शन है आपकी 370 में यह बात कही गई है कि अगर एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट किया गया है और कन्विक्ट करने के बाद में जो राज्य सरकार है वो सोचती है कि कन्विक्ट तो कर दिया है और कन्विक्ट किसने किया है, कन्विक्ट हाईकोर्ट ने नहीं किया है, हाईकोर्ट से जो निचले न्यायालय हैं उन्होंने कन्विक्ट किया है, परंतु कन्विक्ट तो एक्यूज्ड पर्सन को कर दिया है परंतु जो दंड दिया गया वो इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त दंड दिया गया है, दंड जो दिया गया है वो अपर्याप्त दंड दिया, कन्विक्ट तो कर दिया परंतु दंड जो दिया गया अपर्याप्त किया गया है वो कम दंड से दंडित किया गया है। तो जहां ऐसा कम दंड एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दिया गया है तो राज्य सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूशन को डायरेक्शन देगी कि आप इसके खिलाफ सेशन न्यायालय में अपील करिए। दूसरी बात है कि जहां एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट किया गया है, कन्विक्ट जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, मजिस्ट्रेट न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय के द्वारा उसको कन्विक्ट किया गया है और उसमें अपर्याप्त दंड दिया गया है तो ऐसे मामले में राज्य सरकार डायरेक्शन देगी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की आप हाईकोर्ट में जाकर के अपील करिए। इसका खंड जो दूसरा है वो ये कहता है कि जहाँ
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम के अधीन अन्वेषण किया जा रहा था और उस मामले में एक्यूट पर्सन को क्या किया गया है, एक्यूट को कन्विक्ट किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा। हाई कोर्ट से भिन्न किसी कोर्ट के द्वारा तो कौन कौन कोर्ट है कि अगर उसको मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्विक्ट किया गया है, कन्विक्ट करने पर अपर्याप्त दंड दिया गया है तो केंद्र सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूशन को डायरेक्शन देगी कि आप सेशन न्यायालय में उसको अपील करिए, या फिर मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायालय के द्वारा कन्विक्ट किया गया है अपर्याप्त दंड दिया गया है तो फिर वो निर्देश देगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की आप उच्च न्यायालय में जाकर के अपील करिए। देखिएगा अब इसकी 370 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जहां दंडादेश के खिलाफ क्या की गई है, अपील की गई, उपरयुक्त जो भी बताया था कि ऐसे मामलों में अपील की गई है तो उस दंड अपर्याप्तता के दंडादेश के इन एडुकेसी अपर्याप्तता के आधार पर अपील जहां की जाती है वहां पर उस दंड को तब तक वृद्धि ना की जाएगी, उस दंड में तब तक उस दंड को बढ़ाया नहीं जाएगा जब तक एक्यूट पर्सन को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए। और जहां एक्यूट पर्सन को सुनवाई का अवसर दिया जाता है वहां वह अपनी दोष मुक्ति या कम दंड के लिए भी प्रार्थना कर सकेगा। अपील इन केसेस ऑफ एक्यूटल दोष मुक्ति की दशा में अपील 378 यहां पर कहा गया है कि अगर उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है सबसेक्शन 2 में जैसा बताया गया है उसे छोड़कर और उपधारा 3 और उपधारा 5 के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट किसी कॉग्निजेबल और अजमानती अपराध में अगर दोष मुक्त मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा किसी एक्यूट पर्सन को कॉग्निजेबल ऑफेंस में और अजमानती मामले में उसको क्या किया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया, एक्यूटल कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया है तो जिला मजिस्ट्रेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्या करेगा, डायरेक्शन देगा कि आप इसके खिलाफ अपील करिए सेशन कोर्ट में। सही है, मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को संज्ञेय मामले कॉग्निजेबल ऑफेंस में और नॉन वेलेबल अजमानती मामले में एक्यूटल किया गया है तो फिर जो जिला मजिस्ट्रेट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्शन देगा कि आप इसकी अपील करिए सेशन कोर्ट में। दूसरी बात है कि अगर उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के द्वारा, दूसरा खंड है वो कहता है कि अगर उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के द्वारा एक्यूस्ट को एक्टुल कर दिया जाता है, किसी मामले एक्यूस्ट को एक्टुल कर दिया जाता है तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्शन दे सकती है कि आप इसकी हाई कोर्ट में अपील करिए जाकर। वहीं उपधारा 2 में कहा गया है कि अगर उपधारा 2 है वो केंद्र सरकार को पावर देती है कि केंद्रीय अधिनियम के अधीन या विशेष दिल्ली विशेष पुलिस बल के अधीन कोई मामला जो था उसमें उसको एक्यूटल कर दिया गया है तो केंद्र सरकार है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को निर्देश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उसको एक्यूटल किया गया है तो सेशन कोर्ट में अपील करिए और अन्य किसी न्यायालय द्वारा किया गया है तो आप हाई कोर्ट में अपील करिए, तो उपधारा 2 में ऐसी बात कही गई है। अब उपधारा 3 जो है वो ये कहती है कि
जो मामले उपधारा एक उपधारा दो में नहीं आते हैं, उपधारा एक उपधारा दो में नहीं आते हैं। कुछ ऐसे भी मामले हैं, जैसे मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर फरियाद मामले पर क्या किया गया था कि फरियाद मामले पर कार्रवाई की गई थी, उसमें एक भी पर्सन को एक्विटल कर दिया गया है, तो ऐसे मामले में राज्य सरकार तो अपना वकील देगी नहीं, सही है। तो ऐसी अवस्था में और जो अपीलांट है, जो परिवादी है, वो उस दोष मुक्ति के खिलाफ अपील करना चाहता है, हाई कोर्ट में अपील करना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में हाई कोर्ट की विशेष इजाज़त लेकर के वहाँ पर अपील की जा सकती है। उपधारा तीन कहा गया है, जो मामले उपधारा एक उपधारा दो में नहीं आते हैं और वहाँ पर उन मामलों में हाई कोर्ट में अपील करनी है, तो विशेष इजाज़त लेकर के हाई कोर्ट में अपील आप कर सकते हैं। उपधारा चार में वही बात कही गई है कि परिवार पर संचित मामले में अगर न्यायालय द्वारा जो परिवार पर संचित मामला था, न्यायालय ने उसको दोष मुक्त कर दिया है, वो हाईकोर्ट में अपील करना चाहता है, वो आवेदन करता है हाईकोर्ट को कि हम जो हैं विशेष इजाजत चाहते हैं, तो हाईकोर्ट उसको विशेष इजाजत चाहे तो दे सकता है अपील करने के लिए, फिर वो अपील कर सकेगा। फिर उन्होंने कहा है उपधारा पाँच में वो कहती है कि अगर जो परिवादी है अपीलांट है वो एक पब्लिक ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट है, अपीलांट उपधारा पाँच में कहा गया है कि अपीलांट जो है परिवादी जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, तो फिर उसको जो उसने विशेष इजाजत के लिए अपील की अर्जी लगाई है, विशेष इजाजत के लिए उसने आवेदन दिया है, तो उसको जो टाइम दिया जाएगा वो 6 माह का होगा। एक परिवादी जो पब्लिक सर्वेंट है वो हाईकोर्ट में विशेष इजाजत के लिए आवेदन देना चाहता है, तो उसको कितने समय के अंदर हाईकोर्ट में विशेष इजाजत के लिए आवेदन देना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि पब्लिक सर्वेंट अगर अपीलांट है परिवादी है तो फिर 6 माह का समय हम देते हैं, और अगर अन्य कोई व्यक्ति परिवादी है तो उसको हम 60 दिन का समय देते हैं। उपधारा 6 में कह दिया गया है यदि किसी मामले में दोष मुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाजत दिए जाने के समय उपधारा 4 के अधीन कोई आवेदन नामंजूर किया जाता है, तो उस दोष मुक्ति के आदेश से उपधारा 1 के अधीन या उपधारा 2 के अधीन कोई अपील ना होगी। इन्होंने उपधारा 6 में कहा गया है कि अपील करने के लिए विशेष इजाजत मांगने के लिए आवेदन किया गया था उपधारा 4 के अधीन, और न्यायालय ने हाईकोर्ट ने विशेष इजाजत देने से मना कर दिया है, तो जो मना कर दिया है विशेष इजाजत देने से इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आगे बात बढ़ाएंगे, और कोई बात समझ नहीं आती तो आप उससे संपर्क करके पूछ सकते हो।